किस जंजाल में फंसा दिया आदम अफंदी। अगर तुमने उस वक्त यूनुस अफंदी की बात का मतलब कुछ से कुछ ना समझा होता तो हमसे कभी बदकलामी का गुनाह सरजद ना होता यूनुस के साथ। गर्मा गर्म मजेदार दूध है, पीकर जाओ। हाँ नहीं, दिल नहीं चाह रहा अभी। यूनुस आगा के पास जा रहा हूँ, फिक्र हो रही है उनकी। खैर तो है। कासिम आगा के साथ रात में झगड़ा हो गया था ना उनका, शोर से मेरी आंख खुल गई थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोले तुमने ख्वाब देखा होगा कोई। आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ी यूनुस अफंदी, कसूर माफ। किस कसूर की माफी चाहते हो आदम अफंदी? मैंने ही आपकी बात बताई थी कासिम आगा को। अगर ये सब कुछ उस बात की वजह से हुआ जो मैंने कही तो कसूर मेरा है। इस तरह मत कहें यूनुस अफंदी। आराम से गिर जाओगे। गिर गिर कर संभलना सीख ही गए हैं हम यूनुस आगा। क्या कोई फौज आ रही है यहाँ? खैर होगी इंशाल्लाह। पीर भाइयों, अपना काम जारी रखें। खैर तो है सर यागा। सरदार ने शाहीन मियां को फौरन वापस लाने के लिए भेजा है। सरदार को पैगाम तो भिजवा दिया गया था, शाहीन जाना नहीं चाहता यहाँ से। सरदार को बता दिया था कासिम आगा, और उन्होंने ये हुक्म दिया है कि जाओ और फौरन साथ लेकर आओ उसे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं सर यागा, अगर वो जाने पर आमादा ही नहीं। हमें आमादा करने के और तरीके भी आते हैं कासिम आगा। सरिया इस तरह ना कीजिए, उसे खबर तो कर लेने दीजिए, कम से कम बात तो सुनिए हमारी। सरिया, शेख मोहतरम मौजूद नहीं है दरगाह में, जब वो वापस आ जाए तब आना। यूनुस अफंदी, शेख कहाँ है बुलवाए। भाइयो, अखी निजाम तिजारत का नाम नहीं महज, मतलब इसे अंबिया की सुन्नत के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। भाइयो, बिरादर मसूद बेहतर तौर पर समझा सकते हैं अखी निजाम के राज। हम तो बस बातें बनाते हैं, असल में जब इस नजर से देखेंगे तो आपका काम ही इबादत बन जाएगा। अब चूंकि सारी जमीन मोमिन के लिए मस्जिद करार दी गई तो दुकान का भी दर्जा इबादतगाह से कम नहीं, और चूंकि खल्क की खिदमत हक तआला की खिदमत है तो गोया खिदमत की ये कसम भी इबादत है। अच्छा एक बात तो बताइए, पैगंबरों को भला क्या जरूरत थी कि वो किसी पेशे में महारत हासिल करते, तो फिर असल में है क्या मामला? मामला नतीजे का है, अक्ल और बदन से खल्क की और फिर पूरी इंसानियत की और तमाम जानदारों की खिदमत करना उनका मकसद था। नूह ने उम्मत को तूफान से कश्ती के जरिए बचाया था, अगर वो कश्ती बनाने की ऐसी महारत के हामिल न होते तो कैसे बचाते उन्हें। लिहाजा खल्क की
और इंसानियत की खिदमत यूं की जाती है, इन कामों को इस अंदाज से, इस नुक्ते नजर से भी देखना चाहिए भाइयों। इस मामले का ये भी तो एक रुख है। तो गोया अपनी अकल का, अपने बदन का इस्तेमाल भी इबादत है और ये मुसलमान पर फर्ज है। हैवानों से इंसान किस तरह मुख्तलिफ है, जाहिर है इसी तरह से चीज़ों से इस्तेफादा करके अपने हम जिन्सों की जिंदगियों में आसानियां लाकर, वरना ना वो बेजुबान हैं ना कोई माजूर हैं, मगर गौर व फिक्र करने का जो वस्फ है वो रब ने इंसान को बख्शा है। बस किस लिए? अरे खिदमत करने के लिए ही। हाँ, बात इतनी सी है भाइयों, ढलाई करो तो ये जरूर जहन में रखो हमेशा, सभी को ये पहलू याद रखना चाहिए, काम को इबादत समझकर अंजाम दिया करो हमेशा, बीज बोते वक्त भी यही ख्याल रखिए किसान, अखी निजाम भी तो यही कुछ है। इसे बात करने दीजिए जरा देर के लिए शाहीन से। शेख को आ लेने दें जरा, इंतजार कर लेंगे तो कयामत नहीं आ जाएगी। ये ना समझिएगा कि हम दीन में नई बात ईजाद करने वाले की बात मानते हैं, फकत छोटा मोटा मशवरा ले लेते हैं बस। वक्त जाया हो रहा है यूनुस अफंदी, लेकिन हम सरदार के हुक्म की तामीर के बाद ही हवेली वापस जाएंगे, समझे? हमें इजाजत दीजिए भाइयों। शेख साहब, बात सुनिए। खैर तो है इस्माइल मेरी जान, ऐसा क्या हो गया? सिपाहियों ने दरगाह का मुहासिरा कर लिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें किसने बताया इस्माइल? खामोश, हमें बात करने दीजिए भाइयों। हाँ आप बताओ इस्माइल, आराम से। सरदार की हवेली के सिपाहियों ने दरगाह को घेरे में ले लिया है, यूनुस आगा डटे हुए हैं। सुना आपने, कैसा जुल्म है ये? फौरन चलो भाइयों, सबको साथ चलना चाहिए। फौरन चलिए शेख। जी चलिए शेख। सरी आगा, आप बैठ तो जाएं, हम बैठकर बात कर लेते हैं। यूनुस अफंदी, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन सरदार का हुक्म है, सरदार जादे को हमारे हवाले कर दीजिए। शेख मोहतरम मौजूद नहीं है सरी आगा। शेख मोहतरम की गैर मौजूदगी में कोई आदमी तो क्या दरगाह का एक कंकर भी उठा के किसी के हवाले कर दे, इतनी मचाल नहीं हमारी। कासिम आगा ये मामला हमसे बेहतर जानते हैं। तो फिर इसका गुनाह हमारे सर नहीं होगा अफंदी? अपना फरीजा निभाना कोई गुनाह नहीं। तलाशी लो दरगाह की, ढूंढो सरदार जादे को। सरिया, क्या हमने अपना जवाब बता नहीं दिया था? सरिया आगा, यहाँ का मुहासरा करने का हक तुम्हें किसने दिया है? आगे बढ़ो सिपाहियों, ले चलो सरदार जादे को। सरिया आगा, सोचना भी मत, ये सरासर जुल्म है। पीछे हटा लो सिपाहियों को, ये कोई जंग का मैदान नहीं है। दरगाह में पनाह लेने वाले को उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता। एक बालिग इंसान गौर व फिक्र करके अपने मामले में खुद फैसला करता है। तुम्हारा ये अमल ना सिर्फ कानून के खिलाफ होगा बल्कि शरीयत का हुक्म भी इसके बरक्स है। और हमारी शरीयत हमारे सरदार का हुक्म है यूनुस अफंदी, ये तो मालूम ही होगा आपको। सरदार सादे को हमारे हवाले कर दें। इनका जवाब तो तुम सुन ही चुके हो,
शाहीन क्या कोई बेजान चीज है जो यूं उठाकर तुम्हारे हवाले कर देने? शाहीन आगा, आप अपने हुजरे में तशरीफ ले जाएं। मजाक समझ रहे कासिम आगा, हम हुक्म के गुलाम हैं। हुक्म की तामील होगी या फिर हमारा खून बहेगा। सीधी तरह शाहीन मियां को हमारे हवाले कर दें। आप अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं सरी आगा। आखिर कितनी बार समझाया जाए आपको, वापस चले जाओ। इसकी वजाहत हम खुद कर देंगे अपने ताया को। वजाहत का वक्त गुजर गया, अब तो शाहीन मियां को लेकर ही जाएंगे हम। या अल्लाह, खैर हो? बाहर हो क्या रहा है अम्मा? खैरियत तो है यूनुस अफंदी? जी सब खैर है खानम सुल्तान। एक मसले के हल के लिए हम सब यहाँ शेख मोहतरम के मुंतजर हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, शेख मोहतरम बस आते ही होंगे, हम मामला संभाल लेंगे। हम सब लोग हैं यहाँ पर, आप बेफिक्र रहिए। आगा, क्या हुआ? ताब्दू गैमरे, हमने इन्हें बहुत समझाया, खुश आमदीद साहिबान। बहुत देर कर दी शेख मोहतरम। खैर तो है, आप लोग जंग पर जा रहे हैं क्या? सरदार ने शाहीन मियां को वापस लाने का हुक्म दिया है। शाहीन मियां, वो क्या कहते हैं इस बारे में? शाहीन आगा हरगिज वापस नहीं जाना चाहते शेख मोहतरम। सरदार ने शाहीन मियां की मर्जी दरियाफ्त नहीं करवाई शेख मोहतरम, उन्हें सिर्फ लाने का हुक्म दिया है। हम तो यही चाहते हैं कि सुलह के साथ कोई हल निकल आए इस मसले का। अच्छा, तो फिर हमसे क्या चाहते हैं आप सरी आगा? हमें इजाजत दें कि शाहीन मियां को साथ ले जाएं हम, या खुद हमारे हवाले कर दीजिए। जो आपके हवाले ना होना चाहता हो उसे हम कौन होते हैं हवाले करने वाले आगा? कज़ाक हैं हम कोई, या फिर जंगजू?
मुझे बताएं, क्या ये दरगाह ताब्दु कैमरे की नहीं है? आप ताब्दु कैमरे नहीं है क्या? लिहाजा उन्हें हुक्म दीजिए हमारे साथ जाने के लिए। सरदार सादे को हमारे हवाले कर दें। तुम्हारी सारी बातों में बस एक ही बात सही है, इस आजिस का नाम ताब्दुक एम्रे है। ये दुरुस्त कहा तुमने। इस दरगाह का जो तुमने कहा कि हमारी है, ये बात दुरुस्त नहीं। तुम जाकर मस्नत पर बैठ जाओ, ये तुम्हारी हो जाएगी। हम तो मेहमान हैं यहाँ, दरगाह मेजबानों की है। अब तुम चाहते हो कि जो अपनी खुशी और मर्जी से यहाँ रुकना चाहता है तो हम उसे कह दें कि चले जाओ। इस बात पर न तो हमारा इख्तियार है, न ही ये हमारी मजाल है। हमने न उन्हें बुलाया था, न निकाल सकते हैं सरियावा। धनी है तलवार के, अल्फाज के नहीं। अल्फाज तो तलवार से ज्यादा तेज होते हैं सरियागा। शाहीन मियां को इसी वक्त हमारे हवाले कर दो शेख मोहतरम। यूनुस, अहले खाना से कहो घर के अंदर चले जाएं। आप घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा खानम सुल्तान। शेख मोहतरम ने फरमाया कि आप घर में तशरीफ ले जाएं। अच्छा ठीक है। चलो बच्चे। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं अम्मा जान? पता नहीं बच्चे, मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ नहीं मालूम। सरी आगा, ये रवैया इंतहाई गलत है, जुल्म है ये। अल्लाह तुम्हारा ये गुनाह माफ फरमाए। नहीं, गुनाह कैसा कसम, ये तो काम है इनका, हुक्म की तामील करते हैं ये। यही तो काम आता है इन्हें, लड़ना भिड़ना या मारना मरना। खुशी से थोड़ी करते हैं ये सब। अब हम सिर्फ गिरेबान ही नहीं पकड़ेंगे। हाँ, बाबा का गिरेबान पकड़ा था इसने। जाहिदा को खबर नहीं है क्या कुछ कि उसके शोहर के गुलाम कर क्या रहे हैं बाबा के साथ? मैं जा रही हूँ बाहर। रुक जाओ, रुक जाओ। कैसे रुक जाओ, बाबा है वहाँ। सबर सबर करो बच्चे, तुम्हारे बाबा बाहर अकेले नहीं है। यूनुस अफंदी है ना, सब संभाल लेंगे। ऐसी गलती नहीं करना। आगे बढ़ रहे हो, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अपनी हद में रहो।
चलिए आप सब अंदर जाइए। मैं बाहर जा रहा हूं। घोड़े पर मेरे सवार होने से पहले हमारे हवाले हो जाएं शाहीन मियां। बस हमारी तलवारें बेनियाम हो गईं तो तुम्हारी करामतें धरी रह जाएंगी। हम नहीं चाहते खूनरेजी। बस अब फौरन शाहीन मियां को ले आओ बाहर।
वेस्कर। हाजिर हो सकता हूं शेख मोहतरम? बिल्कुल आ जाए शाहीन मियां, आइए तशरीफ रखें। बहुत शर्मिंदा हूं मैं आपसे, यह सारा इंतजार मेरी वजह से ही है। आप खुद को इल्जाम क्यों देते हैं शाहीन मियां? ना आपने मुझे पनाह दी होती ना ये सब होता। जो हुआ उसमें खैर होगी, जो कुछ भी होता है अल्लाह ही करता है, खा वो अपने जलाल से जफा करे या फिर अपने जलाल से वफा। हम तो उसके आजिज बंदे हैं, कहर हो तो भी खुश, लुत्फ हो तो भी खुश। अब तो देर हो गई, अब क्या कर सकते हैं हम? क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं? जानदार ओगलों को आज से हम अपना सरदार नहीं मानते। सही कह रहे हैं सब। ठीक कहा आपने साहिबान, इतने जज्बाती ना हो, बस ये दुआ कीजिए सरी आगा बखैरियत हो।
हम क्यों दुआ करें, मरेगा वो जालिम। अंजाम को पहुंचेगा वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी बददुआएं हैं, जालिम का अंजाम यही होना है। भाइयों अपनी जबान की काट काबू में रखिए। बताइए अब भला हिसाब किताब के बगैर क्या चला जाएगा वो? बस ये होता है पीर भाई। खैर होगी इंशाल्लाह पीर भाई। फिर तो हर खता के बाद हम सब खैर होगी यही कह दिया करें और सारा इल्जाम किस्मत के सर धर दिया करें। सही है, ठीक है। हमें छोड़िए, क्या शेख मोहतरम के साथ उसने बदसलूकी नहीं की कासिम आगा? बदसलूकी उसने नहीं बल्कि शेख ने की थी पीर भाई। अगर वो चंद लम्हे के लिए सरी आगा को शाहीन से बात करने की इजाजत दे देते तो नौबत यहां तक हरगिज ना पहुंचती। सही कहा किसी ने, खता भी मेरी गुनाह भी मेरा। अब अपने तकब्बुर को इनकिसारी के पर्दे में मत छुपाइए पीर भाई। जाहिर है खता भी आपकी गुनाह भी आपका, तो फिर यकीनन कोई सजा भी होगी इस जुर्म की। जब आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है तो मेरे गुनाह की सजा भी आप ही तजवीज कर दीजिए कासिम आगा। शायद आप भूल रहे हैं हम जानशीन हैं इस दरगाह के। हम तो बस मेहमान हैं कासिम आगा। गिरफ्तारी का परवाना लाया हूं यूनुस अफंदी, अदल का फरीजा निभाने आया हूं। अगर इजाजत दें तो शेख मोहतरम को इत्तला कर दूं और तैयारी कर लूं। जरा ये आपकी गिरफ्तारी का परवाना नहीं है यूनुस अफंदी, मतलूब आप नहीं हैं। तो आ गए तुम? हाँ आ गया। अब खुश हैं आप? मेरे लिए दुश्मन और तुम में कोई फर्क है जो मैं तुम्हारे आने पर खुश होऊंगा? मेरी बला से तुम कभी ना आते। इस बहस में ना ही किसी की जीत है ना किसी का फायदा बाबा। मैं आ गया। क्या बिगाड़ा था किसी का मेरे बाबा ने मसूद आगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजे का तो पता नहीं, मगर हम सभी अंदेशों का शिकार हैं। फिलहाल ऐसा करें आप घर तशरीफ ले जाएं, जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको इत्तला कर देंगे। आप हमारी फिक्र ना करें मसूद आगा।